मध्य प्रदेश के जबलपुर की अविस्मरणीय यात्रा द खबरदार न्यूज के साथ आइए चलें। नमस्कार दोस्तों, गर्मी का मौसम यानी घूमने का मौसम, तो चलिए निकलते हैं मध्य प्रदेश के उन खूबसूरत स्थलों की सैर पर जो शायद आपने अभी तक नहीं देखे हैं। सीरीज के पहले वीडियो की शुरुआत हम मध्य प्रदेश की संस्कार धानी यानी जबलपुर से करेंगे। आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज के साथ मध्य प्रदेश की अविस्मरणीय यात्रा पर। जबलपुर जो संस्कृत और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है, हमारी यात्रा शुरू होती है मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक केंद्र जबलपुर से। 98 फीट की ऊंचाई से गिरता यह जलप्रपात संगमरमर की चट्टानों से निकलकर धुएं जैसा रूप लेता है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। धुआंधार जलप्रपात में संगमरमरी चट्टाने हैं। 100 फीट ऊंची विभिन्न रंगों वाली ये चट्टाने न केवल मनमोहक लगती हैं, बल्कि यहाँ आप नाव या केवल कार से यात्रा का आनंद भी ले सकते हैं। इस वक्त हम जबलपुर के महारानी दुर्गावती संग्रहालय में मौजूद हैं। ये डॉक्टर हीरा लाल राय कला वेद का रानी दुर्गावती संग्रहालय है। महारानी दुर्गावती के बारे में बात करें तो महारानी दुर्गावती गौड़ राजवंश की महारानी थी, जो जबलपुर राज्य में राज किया करती थी। इनसे जुड़ा हुआ ही जबलपुर शहर में मदन महल स्थित है, और साथ ही साथ इस संग्रहालय में उनके समय से जुड़ी हुई, उनके पूर्वजों के समय से जुड़ी हुई और उनके समकालीन विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की चीज़ें संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। अब हम अपने कैमरे के द्वारा इस जगह पर स्थित मूर्तियों और इस जगह पर स्थित महारानी दुर्गावती से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतिमाओं के साथ साथ उनके समकालीन चीज़ों के दर्शन आपको अपने कैमरे के माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए पूरा वीडियो देखें, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। ये रानी दुर्गावती संग्रहालय है। 1976 में जनता के लिए खोले गए इस संग्रहालय में प्राचीन सिक्कों, प्रागैतिहासिक अवशेषों और पत्थर की मूर्तियों का संग्रह है। अब आइए आपको ले चलते हैं त्रिपुर सुंदरी मंदिर। देवी त्रिपुर सुंदरी को समर्पित यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। अब आइए आपको ले चलते हैं इस झील में। इस झील का नाम है भंवरताल झील। नौका विहार और शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए यह झील एकदम सही जगह है। खरीदारी करनी है तो साउथ एवेन्यू मॉल में आइए। खरीदारी और मनोरंजन के लिए यह मॉल जबलपुर का सबसे लोकप्रिय स्थान है। शांति और प्रकृति का अद्भुत मिश्रण है डुमना नेचर पार्क। शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति और प्रकृति का आनंद लेने के लिए डुमना नेचर पार्क एक आदर्श स्थान है। 1058 हेक्टेयर में फैला यह पार्क विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है। आप यहां घूमने, पक्षी देखने, बच्चों के साथ टॉय ट्रेन में बैठने और नाव विहार का आनंद ले सकते हैं। पार्क में रेस्टोरेंट और लाइब्रेरी भी है, जहां आप आराम कर सकते हैं और किताबें भी पढ़ सकते हैं। ये दुमना नेचर पार्क के मिनी ट्रेन की जगह है, जहां पर आप मेरे पीछे एक छोटी सी ट्रेन देख पा रहे हैं। पटरी तो काफी लंबी है, लेकिन इस वक्त ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, दोनों तरफ से ये दरवाजे बंद हैं। तो चलिए, अब इस मिनी ट्रेन का सफ़र तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस दुमना नेचर पार्क के आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सी विशेष चीज़ें हैं, कौन सी अच्छी जगहें हैं जो आपको दिखाई जा सकती हैं। इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है यह बरगी बांध। नर्मदा नदी पर बना यह विशाल बांध इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। 1974 से 1990 के बीच निर्मित यह बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं और बांध के शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। प्रकृति का अनोखा चमत्कार है बैलेंसिंग रॉक। यह प्राकृतिक चट्टान अपनी अनोखी स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। ऊपरी चट्टान निचली चट्टान पर इस तरह संतुलित है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा इसकी मूल स्थिति को बाधित नहीं कर पाई है। यह चट्टान पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय आकर्षण का केंद्र है। भगवान शिव को समर्पित यह भव्य मंदिर कचनार सिटी मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ 76 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अब बात
करते हैं जबलपुर के लोकप्रिय व्यंजनों के बारे में। स्वाद के बिना इस वीडियो का सफर अधूरा रह जाएगा, इसलिए आइए अब बात करते हैं जबलपुर के लोकप्रिय व्यंजनों के बारे में। तो चलिए मध्य प्रदेश के खाने के शौकीनों को खुश करने के लिए कुछ लजीज व्यंजनों का स्वाद चखते हैं। पोहा जलेबी मध्य प्रदेश का नाश्ते का एक लोकप्रिय व्यंजन है। पोहा जिसे इमली की चटनी और कद्दूकस किया हुआ नारियल के साथ परोसा जाता है। मीठे के तौर पर साथ में जलेबी का मजा लेना ना भूलें। कचौड़ी मध्य प्रदेश के लगभग हर शहर में मिलने वाली एक स्वादिष्ट चटपटी स्ट्रीट फूड है। इसे दाल की स्टफिंग के साथ बनाया जाता है और आम की चटनी के साथ परोसा जाता है। उड़द की दाल से बने बड़े दही में भिगोकर मीठी चटनी और धनिया पत्ती के साथ परोसे जाते हैं। यह एक हल्का और स्वादिष्ट भोजन है। मध्य प्रदेश में स्ट्रीट फूड का चलन काफी है और मोमोज भी उन्हीं में से एक है। आपको यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह के मोमोज मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश सिर्फ पारंपरिक व्यंजनों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ आपको वेस्टर्न फास्ट फूड का भी लजीज स्वाद मिल सकता है। जबलपुर में बर्गर जरूर ट्राई करें। मध्य प्रदेश में और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन हैं, जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान जरूर इंजॉय कर सकते हैं। मसलन समोसा, चाट, पापड़ की सब्जी, मालपुआ, ये सब आदि जबलपुर में बहुत फेमस है। तो कैसा लगा आप सभी को जबलपुर का यह आभासी सफर? हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको मध्य प्रदेश की खूबसूरती और स्वादिष्ट व्यंजनों से रूबरू करवाया है। अगर आप मध्य प्रदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, हम आपकी यात्रा को यादगार बनाने में पूरी मदद करेंगे। इसके साथ ही द खबरदार न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। हमेशा सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। देखते रहें द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार।